ये हम बात बात के ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी पकड़ी जाती है या नहीं। यूजुअली ट्रेन सीढ़ियों से उतरते ही प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं, लेकिन हमारे साथ हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दूर है। कितना दौड़ाओगे यार, हमारे पास 4 मिनट बाकी है और ट्रेन वहाँ है और हमें अपना ढूंढना भी है सीट नंबर। फाइनली हमने 5 बजे ट्रेन पकड़ी और जस्ट 2 मिनट पहले हमें अपनी सीट मिल गई। ये हम पहुंचे हैं एकता नगर। यहाँ से स्टेचू सिर्फ 7 point something किलोमीटर है और यहाँ पर फ्री बस भी अवेलेबल है जो आपकी आपको मिल जाएगी। एकता नगर आने के लिए आपको, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अहमदाबाद टू एकता नगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है जिसका टाइम सुबह 8 बजे का है। ट्रेन से बाहर आओगे तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट बस लेके जाएगी स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास। यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हैं खाने पीने की चीज़ें, तो आपको कोई टेंशन नहीं। अगर कोई बुक आए हम जैसे तो आपकी एक एंट्री गेट में टिकट चेक होगी, एक थोड़ा सा आगे आओगे फिर टिकट चेक होगी। फाइनली हम इस लोकेशन पर पहुँच गए। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के हम सबसे टॉप पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से व्यू देख लो। स्टैचू ऑफ यूनिटी में हम पहुंचे आज और कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए और ये मैडम स्टार्ट कर रही है। सो जो आप हमारे पीछे देख रहे हो ना, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति है। ओके, एंड इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनने में ऑलमोस्ट पूरे 5 साल लगे थे और इसमें ऑलमोस्ट 3000 करोड़ खर्च किए गए हैं। ये 31 अक्टूबर 2013 को इसका काम स्टार्ट हुआ था और इसका इनॉग्रेशन रखा गया था 31 अक्टूबर 2018 को। चलो अभी टिकट की बात कर लेते हैं। यहाँ की टिकट है नॉर्मल एंट्री के लिए आपकी 150 है और अगर आपको चेस्ट पर जाके इनके व्यू देखना है तो उसकी 380 है और अडल्ट के लिए है ये सब और बच्चों के 5 साल से कम के लिए 60 रुपीज़ है। और अगर आप बाकी थोड़े साइट सीइंग देखना चाहते हैं जैसे और जो बोट को आप बोट के सहारे भी आप व्यू देख सकते हैं उसको मिला के, बटरफ्लाई गार्डन है, इन सब को मिला के 1030 रुपीज़ टोटल बनता है, तो मिल जाएगा। और ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गार्डन बना हुआ है, सो आप एंजॉय कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा वन डे का ट्रिप ख़त्म होता है जिसकी कॉस्ट अराउंड 1000 थी अहमदाबाद टू यहाँ तक आने की एकता नगर की। आगे बस फ्री है तो कोई कॉस्ट नहीं है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप कितना खाते हैं कितना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ अंदर जगह स्टैचू के पास बहुत ही महंगा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो ठीक है उसके बाहर भी अब आप कहाँ ही खाओगे। और यहाँ पर स्टे का ऑप्शन हैं, होटल्स वगैरह हैं दिख जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफलाइन टिकट्स वगैरह आपको मिल जाती है और अगर आप अहमदाबाद से मतलब कहीं और सिटी से आ रहे हैं तो आप प्रेफर करो कि अहमदाबाद रुक जाओ। हाँ कुछ साइड में कुछ है जो कि अगर आप एक दिन रुक के स्टैचू देखो एक दिन, फिर दूसरे दिन आप कुछ और चीज़ें देख सकते हो, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अहमदाबाद भी घूमना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं है, बस 3000-4000 लगेगा। दैट्स इट, बाय बाय। और आई होप यू लाइक इट आवर ब्लॉग एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए आप प्लीज बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और बहुत ही अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं और कुछ भी हमें पूछना हो आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जो भी है atakti.atma।